साथियों, स्वागत है आप लोग का प्रेपलर्न एडु सेंटर पर। और अपने इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस हैं आपके इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पूछे जा चुके हैं, और उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस, वो हमारे फोकस्ड होंगे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान रिलेटेड, ठीक है। और चूंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होंगे, और आपके चाहे यूपीएससी, चाहे किसी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स दे रहे हो, चाहे आप कोई अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, हर किसी एग्जाम में ये आपको बहुत ही यूज करने वाला है, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को देखेंगे एक तरीके से। जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम यहाँ पर जानेंगे। पहले आप आंसर देने का प्रयास करिएगा क्वेश्चन पढ़कर, फिर हम आपको उसका आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संविधानोत्तर और विधित्तर संस्था है? राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन, आंचलिक परिषद और अंतरराज्य परिषद। मतलब इसमें से कौन सी ऐसी संस्था है जिसका वर्णन संविधान में नहीं है, बल्कि बाद में इसको या तो संविधान संसद के द्वारा कानून बनाकर पारित किया गया है, या संविधानोत्तर संस्था बनाई गई है, ठीक है, लेकिन संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में उनका वर्णन नहीं था। आपके ऑप्शंस 1, 2, 3, 4 जो हैं, चार हैं, इनमें से कौन कौन से ऐसी हैं आपको बताना है। तो ऑप्शंस हैं क्या, 1 और 2, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन, 1, 2 और 3। तो सही इसमें क्या आ रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन और आंचलिक परिषद। थर्ड है सी, 3 और 4, यानी कि आंचलिक परिषद और अंतरराज्य परिषद। और फोर्थ है हमारा ऑप्शन 4, यानी कि अंतरराज्य परिषद। तो ए बी सी डी में से सही आंसर आपको चूज करना है, ए बी सी डी में सही आंसर आपको बताना है। सही उत्तर क्या है, बी। बी यानी कि कौन से ऑप्शन सही हुए, 1, 2 और 3, राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन और आंचलिक परिषद। ये तीनों कौन से हैं, इनको संविधानोत्तर या विधित्तर संस्था है, इनका संविधान में वर्णन नहीं है। जबकि अंतरराज्य परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट रिलेशंस वगैरह के लिए जो भी विवाद होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उसके लिए अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया है। अतः यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद तथा राज्यपाल सम्मेलन एवं आंचलिक परिषद संविधानेतर तथा विधित्तर संस्थाएं हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से विषय ऐसे हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसरण के अनुसार ही संवैधानिक संशोधन संभव होगा? मतलब अगर इनमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो आपको एटलीस्ट 50 स्टेट्स ऐसे होने चाहिए जहां से आपको 50% स्टेट ऐसे हों जहां से आपको क्लियरेंस लेना होगा, उन सहमति लेनी होगी, तभी आप संविधान का संशोधन कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 दिए गए जिसमें से आपको चयन करना है सही कूट का। राष्ट्रपति के निर्वाचन में, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व के स्तर पर, सातवीं अनुसूची में कोई भी सूची जोड़ना है या कुछ भी उसमें परिवर्तन करना है, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्त अगर करनी है, तो इन चारों में से वो कौन से हैं जिसपे कम से कम आपको आधे राज्यों के विधानसभाएं जो हैं, विधानमंडल जो हैं, उनसे आपको सहमति प्राप्त करनी ही पड़ेगी। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3 यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और सातवीं अनुसूची। 1, 2, 4 इसमें आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। थर्ड है सी, 1, 3, 4 यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, सातवीं अनुसूची और चौथा किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। डी ऑप्शन है 2, 3, 4 यानी कि इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन को शामिल नहीं किया गया है। तो सही जवाब ए बी सी डी में से आपको बताना होगा, ठीक है। काफी लोग आप में से गेस कर ही रहे होंगे, जी हाँ, सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है, मतलब कौन सा, 1, 2 और 3, राज्य की विधान परिषद की समाप्ति इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 169 के अनुसार कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव। अतः अनुच्छेद 368(2) में शामिल संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है
इसके तहत किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति शामिल नहीं है। इसके लिए उक्त राज्य की सहमति ही आवश्यक है, केवल संबंधित राज्य की सहमति आवश्यक है, सभी आधे राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे अगर आपको केवल यूपी की विधानसभा विधान परिषद को समाप्त करना है तो सिर्फ यूपी की विधान परिषद से, विधानसभा से और विधान परिषद से आपको सहमति लेनी होगी। आप महाराष्ट्र का उसमें कोई लेना देना नहीं होगा, तेलंगाना का कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? 1. किसी राज्यपाल को उसके पद अवधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर नहीं बना रह सकता। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चयनित करें। केवल एक, यानी कि किसी राज्यपाल को उसके पद की अवधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। केवल 2, कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर नहीं बना रह सकता। 1 और 2 दोनों, और दोनों में से नहीं। तो इस तरह क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आप बहुत पढ़े हों तभी कर सकते। अगर आप जनरल न्यूज़ को भी देखते रहते हैं तो भी आपको पता चल जाता है। देखिए, जैसे कहीं के गवर्नर होते हैं, जब गवर्नमेंट चेंज हो जाती, गवर्नमेंट बदल जाती, नई गवर्नमेंट आती है, तो आप देखते होंगे गवर्नर भी बहुत सारे बदल जाते हैं। तो क्या उनका जरूरी है कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका रहता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि गवर्नर जो होते हैं उनका तो आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत शासन करते हैं, ठीक है। और तो सही जवाब भी हम इसका देख लेते हैं, डी सही जवाब है, यानी कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर धारण करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा कभी भी पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 156(3) के अनुसार राज्यपाल तब तक अपना पद नहीं छोड़ता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपने पद को ग्रहण न कर ले, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही नहीं होंगे। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मामले हैं जिन पर संविधान संशोधन राज्य की विधानसभाओं जिनकी संख्या आधे से कम ना हो के अनुसार अनुसमर्थन से ही संभव है? ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था अभी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो हमने अभी कर लिया था, डबल दो बार हो गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। अपनी पद अवधि को समाप्त होने से पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्य वहन कर सकता है। तो इसमें से कौन ऐसा है जो संविधान में नहीं दिया गया लेकिन हम लोग बाय ट्रेडिशन उसको फॉलो करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि अगर बहुमत खो दिया है प्रधानमंत्री ने तो उसे त्याग पत्र देना चाहिए, लेकिन ऐसी परिपाटी बनाई गई है कि जब भी बहुमत खो देगा निम्न सदन में उत्तरदायित्व की व्यवस्था है और वो अपना बहुमत खोते ही अपना त्याग पत्र दे देता है। निम्न सदन से मतलब लोकसभा है, ठीक है। आपको पता ही है कि राज्यसभा हमारा उच्च सदन है और लोअर हाउस हमारा लोकसभा है, ठीक है। निम्नलिखित के संविधान के 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज्य के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, आप पंचायती राज से जुड़ा हुआ संशोधन अच्छी तरीके से जानते हैं। पंचायती राज्य के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तर पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी, 30% वुमेन रिजर्वेशन। पंचायत राज संस्थानों के संसाधनों के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोग का गठन करेंगे, यहाँ पर नहीं किया गया है, पूछा गया आपसे, देखिएगा। पंचायत राज्य के निर्वाचन कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि इनकी 2 से अधिक संतानें हैं। यदि पंचायत राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएंगे। तो ऑप्शन क्या होगा? सी इसका सही उत्तर है, ठीक है, सी सही उत्तर है। मतलब अगर आपके 2 बच्चे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 से अधिक है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि कुछ स्टेट्स में इसको बनाया गया,
हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में इसको अलग से बनाया गया, लेकिन संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था जब संविधान संशोधन किया गया। नीचे दो गए वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। दिए गए कूट में सही का चयन करें। कथन क्या कहता है? संसद और राज्य विधान मंडल में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। कारण, चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% का महिलाओं को लिए नियतन कर सकते हैं। अब ऑप्शंस क्या हैं? कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है, सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। बी, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है परंतु कारण गलत है, कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? डी, यानी कि स्टेटमेंट जो है वो तो रॉन्ग है लेकिन कॉज जो है, रीजन जो है वो सही दिया गया है। संसद और राज्य विधानमंडल में महिलाओं के 33% सीटों के लिए संशोधन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन और पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी चाहे तो जितनी चाहे उतनी सीटें दे दें। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। एक और दो में कौन कौन से सही है? ठीक है, एक और दो दोनों में से कोई भी नहीं सही है, एक और दो दोनों सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है। तो इसका सही जवाब दीजिएगा, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। कथन एक सही है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 59 में किया गया है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा दो सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनेगी, ठीक है, दो सदनों और राज्यसभा से मिलकर बनेगी, ठीक है। तो सही स्टेटमेंट क्या है? दोनों सही स्टेटमेंट है आपके, 1 और 2, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? देखिए, जैसे अभी दल बदल का नाम लिया तो अभी महाराष्ट्र में तो देखिए पूरी पार्टी ही नहीं समझ में आ रही किसकी पार्टी आज की डेट में रह गई है, ठीक है। तो दूसरी अनुसूची, पांचवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची, तो इसमें से कौन सा दल बदल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची, जिसको 52वें अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था 1985 में। दल विरोधी बदल विरोधी कानून है। संविधान की दूसरी अनुसूची में मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, जबकि पांचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है, और आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषाई और निजातीय अल्पसंख्यकों को। सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 29 और 30 में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। यद्यपि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, तो सही जो ऑप्शन क्या हो गया? सी, यानी कि धार्मिक और भाषाई, निजातीय इस वर्ड का यूज वहां पर नहीं किया गया है। निम्नलिखित कथनों का विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधान मंडलों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शंस हैं केवल एक, 1, 2, 3, 2, 3, 4 और 1, 2, यानी कि इनमें से आपको सही का आंसर देखना है। तो सही जवाब क्या होगा? डी। अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन लाने का उपक्रम किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है। उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि इसको पर्टिकुलर लोकसभा में ही लाना चाहिए, पर्टिकुलर राज्यसभा में ही लाया जाना चाहिए, ठीक है। एक और दो इसके दोनों सही ऑप्शन होंगे, लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी शुरू किया जा सकता है, ठीक है। तो आज के इसमें हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, इतनों को आप फिर से प्रैक्टिस करिएगा, फिर से एक बार देखिएगा। नेक्स्ट में हम और कंटिन्यू करेंगे, जितने भी हमारे यूपीएससी में क्वेश्चंस आए हुए हैं पॉलिटी रिलेटेड, धीरे धीरे करके सीरीज में हम पूरा कवर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल के ही प्ले स्टोर
कृपलान रेडियो सेंटर के प्ले चैनल के प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो एमसीक्यू सीरीज देखेगा, जहां पर आपको हिस्ट्री के भी बहुत सारे एंशियंट हिस्ट्री को ऑलमोस्ट कंप्लीट एमसीक्यू मिल जाएंगे आपको अभी, और ज्योग्राफी के भी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी एमसीक्यूज चल रहे हैं, तो उसको भी आप जरूर से देखिएगा। साथ ही आप हमारे ऐप प्रेप लर्न एडू सेंटर को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से प्रेप लर्न एडू सेंटर को डाउनलोड करिएगा, जहाँ पर आपको अनलिमिटेड क्लासेस मिलेंगी, अनलिमिटेड लाइव रिकॉर्डिंग्स सब कुछ मिलेगा आपको, और पीडीएफ मिलेगी, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर मिलेंगे, योजना मैगजीन कुरुक्षेत्र वगैरह सब कुछ मिलेगा। आप सब कुछ पूरी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं पूरी की पूरी, ठीक है। तो प्रेप लर्न एडू सेंटर को आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा, और यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये वीडियो सीरीज पूरी चलती रहेंगी, आपकी तैयारी के लिए सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी हम इतने पे रोकते हैं, अगली बार से इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, हो सकता है आप इसको क्वेश्चन को पढ़ ही लीजिए, इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह से आप इसका प्रयास करिएगा आंसर देने का, हम अगले पार्ट में इसका आंसर डिस्कस करेंगे। जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 के द्वारा निर्वाचन विधि में हाल ही में किए गए संशोधनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्ध व्यक्ति को तिथि से 6 वर्ष के लिए संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने की योग्यता चली जाएगी उसकी, ठीक है। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। कोई अभ्यर्थी अब एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यक्ष दृष्टि नहीं किया जा सकता है। सही कथन का चयन करिए, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 1, 2, 3, 4 स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सही उत्तर का कमेंट में दीजिएगा कौन सा सही उत्तर है। आंसर हम इसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इतने पेज को रोकते हैं, थैंक यू।